to build a tree from a single seed, whose leaves reach out to the entire sky. To build a future from a single mind, which reaches out to the entire world. At Indus International University, programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA, MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University. Creating futures, changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318-797-101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए अब रुक करते हैं जिला सिरमौर की ओर, जहां पर पौंटा विकास खंड के तहत अम्बोवा में पिछले 20 वर्षों से एकजुट होकर वनों की रक्षा कर रही महिलाओं के सम्मान में वन विभाग ने वन महोत्सव का आयोजन किया। इस अवसर पर पौधारोपण के साथ साथ मुख्य संसदीय सचिव सुखराम और अन्य पाल आर के गुप्ता ने इन साहसी महिलाओं को सम्मानित भी किया। इस महिलाओं ने पर्यावरण एवं वन सुरक्षा समिति के बैनर तले वन विभाग से 60 हेक्टेयर जंगल गोद ले रखा है, जिसमें वह कई प्रजातियों के औषधीय पौधे लगाकर भी कामयाब कर चुकी हैं। पौंटा विकास खंड के तहत अम्बोया में पिछले 20 वर्षों से एकजुट होकर वनों की रक्षा कर रही महिलाओं के सम्मान में वन विभाग ने वन महोत्सव का आयोजन किया। इस अवसर पर पौधारोपण के साथ साथ मुख्य संसदीय सचिव सुखराम चौधरी और अरण्यपाल आर के गुप्ता ने इन साहसी महिलाओं को सम्मानित भी किया। ये महिलाएं जंगल में कई प्रजातियों के औषधीय पौधे लगाकर भी कामयाब कर चुकी हैं। महिलाएं जंगल में घुसने वाले वन काटुओं से उनके हथियार जब्त कर लेती हैं और उन्हें पुलिस के हवाले कर देती हैं। सुखराम चौधरी ने इन महिलाओं के योगदान की भरपूर प्रशंसा की। 20 साल से हम ये काम कर रहे हैं, ये कार्य, और हम बहुत ही कुछ, हमारे डिपार्टमेंट भी साथ दे रहा है और हम सारे इससे हमें सभी से ही हमें अच्छी पौधे की सेवा कर रही, सब खुद ही महिला, सारी मेरी 10 महिला, हम 20-25 साल से हम बाजे एक ऐसा है, मतलब जैसे बिगड़तार वाले ये उसकी भी हम खुद उसकी देख रेख करती हैं। यहाँ एरिया में सबसे पहले अम्बोया ग्रुप बना, जिसमें 12 महिलाएं शामिल हैं। इनको देखते देखते हमने भी उसका अनुसरण किया और इस समय हमारे इलाके में 14-15 ग्रुप बन चुके हैं और हमने लाखों पौधे लगाए हैं जो तैयार भी हो चुके हैं और वन विभाग भी हमें पूरा सहयोग देता है। जिला सिरमौर में विशेष रूप से मेरे विधानसभा क्षेत्र में फॉरेस्ट विभाग ने और जो यहाँ वन समितियाँ पंजीकृत हैं उन्होंने पौधारोपण के क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय काम किया है। कई बार प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी ने भी उन वन समितियों को अपनी ओर से सम्मानित किया है। आज लगभग 15 जगह उन्होंने पौधारोपण किया, जंगलों को रोका और आज वहाँ पर ना केवल हजारों की संख्या में परंतु लाखों की संख्या में पेड़ पौधे लगे हैं और सुरक्षित हैं। वनों एवं पर्यावरण की सुरक्षा मात्र सरकार पर निर्भर रहकर संभव नहीं है, इसके लिए सभी लोगों को एकजुट होकर अभियान छेड़ना होगा। अम्बोया क्षेत्र की महिलाएं समाज को यही संदेश दे रही हैं। सतीश शर्मा, 7C हिमाचल आजकल, नाहन। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट द्वारा आतंकवाद, भ्रष्टाचार और नशाखोरी जैसी बुराइयों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए शिमला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनिंदर जीत सिंह बिट्टा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस दौरान कलाकारों ने नाटक के माध्यम से आतंकवाद पर कड़े प्रहार किए। इस मौके पर मनिंदर जीत सिंह बिट्टा ने कहा कि आतंकवाद देश के सामने एक बड़ी चुनौती है, इससे सख्ती से निपटने की जरूरत है। भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ भी
सब लोगों को लड़ाई लड़नी चाहिए। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि राजनीति में ऐसे लोगों को लाए जो कि स्वच्छ छवि के हों। देश आज दूसरी गुलामी की तरफ जा रहा है और राजनीतिक गुलामी, आतंकवाद की गुलामी, पॉलिटिकल टेररिज्म इस तरफ देश जा चुका है। एक जरूर कहूंगा, अगर अन्ना हजारे जो उनके साथ भीड़ जुटी थी पहली बार, अगर एक भी शख्स कुर्बानी दे देता तो शायद देश का नक्शा बदल जाता। कुर्बानी से फौज को छोड़ करके, फोर्सेस को छोड़ करके, कुर्बानी से हर नेता, हर आंदोलनकारी भागता नजर आता तो देश का तो कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता। देश कुर्बानी मांगता है, कुर्बानी कानून और दायरे के अंदर मांगता है, तो कुर्बानी देने से सब भाग रहे हैं। आतंकवाद बढ़ रहा है, करप्शन बढ़ रही है, घोटाले रोज इस देश के अंदर हो रहे हैं, किसी कोई मन के अंदर बोझ ही नहीं। परवाणु सब्जी मंडी सरकार द्वारा किसानों को उनके उत्पादों के लिए मार्केट उपलब्ध करवाने के दावों की पोल खोल रही है। यह सब्जी मंडी खस्ता हालत में है। जी हां, मंडी में आधारभूत सुविधाओं का पूरी तरह से अभाव है। मंडी में पीने तक के पानी और शौचालय की उचित सुविधा नहीं है। मार्केट कमेटी हर साल यहाँ से लाखों का टैक्स एकत्रित कर रही है, लेकिन बदले में आढ़तियों और यहां आने वाले बागवानों को सुविधाएं तक नहीं दे रही। इन दिनों सेब सीजन चरम पर है और मंडी में बागवान और व्यापारी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। इनको यहां भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। देखते हैं एक रिपोर्ट। प्रदेश में सब्जी मंडियां तो खोली जा रही हैं, लेकिन इनमें सुविधाएं उपलब्ध करवाने की ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं जा रहा। प्रदेश में सब्जी मंडियों की क्या हालत है, इसका अंदाजा परवाणु सब्जी मंडी से सहज लगाया जा सकता है। सब्जी मंडी में पीने के पानी और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है। इन दिनों सेब सीजन चरम पर है और यहां काफी संख्या में बागवान और व्यापारी आ रहे हैं, लेकिन सुविधाओं के अभाव में उनको यहां भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। सब्जी मंडी में विश्राम गृह भी नहीं है, इस कारण बागवानों और व्यापारियों को रात्रि में ठहरने की समस्या भी आ रही है। इस मंडी में माल लेके अपनी मंडी शिमला की मंडी छोड़कर यहाँ कल शाम को 8 बजे पहुंचा तो यहाँ की हालत देखकर तो ऐसा सोचता था कि ये माल ही गाड़ी में भेज देता तो यहाँ खुद आता। रात को परेशान होकर इसी गाड़ी में मुझे रात काटनी पड़ी है। कोई खाने पीने की सुविधा के लिए कोई अच्छा इंतजाम नहीं है, बैठने के लिए जगह नहीं, यहाँ पे ना यहाँ का पानी नहीं पी सकते, ना कुछ खाना पीना मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पे तो कोई होटल भी नहीं है अच्छा, इसलिए हम यहाँ जो रूम से खाना खाकर आता है फिर वापस रूम पे पहुँचने के बाद खाना खाता है हम लोग। यहाँ का जो फैसिलिटी है बहुत कम है, हमको 4-5 ट्रॉला 10-15 ट्रॉला ये कट्टा लगाने के लिए, उसको लोड करने के लिए ना लोडर मिल रहा है, ना लोड करने की इंतजाम है यहाँ पे। अगर 7 ट्रॉला एक साथ लग जाएगा तो ट्रॉला भरने के लिए दूसरा दिन लग जाता है। यहाँ के आढ़ती भी मंडी की व्यवस्था से खासे परेशान हैं। उनके मुताबिक मंडी के लिए ना तो सड़क की बेहतर सुविधा है और ना ही दूसरी सुविधाएं हैं। आढ़तियों के मुताबिक उन्होंने अपनी दुकानों की मुरम्मत पर जो पैसा खर्च किया है उससे भी मार्केट कमेटी नहीं दे रही है। यहाँ चार साल से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई भी फैसिलिटी नहीं है, ना तो सीवरेज का कोई साधन है, ना ही लेटरिन बाथरूम का कोई साधन है, ना ही लोडर के लिए कोई साधन है और ना ही पानी का कोई साधन है जी। बाकी जो मंडी है बहुत जर्जर तरीके से है ये मंडी। यहाँ पर 14 आदमी हम काम करते हैं जिनको लाइसेंस भी दिए गए हैं, दुकानें भी दी गई है। हमें आश्वासन दिया गया था कि हम आप दुकानों का काम कीजिए, हम 50,000 रुपये आपको देंगे। ये आश्वासन हमारे को मार्केट कमेटी सोलन से मिला था, लेकिन आज तक हमें कोई भी पैसा नहीं मिला है। मार्केट कमेटी मंडी से हर साल लाखों की फीस वसूल रही है, लेकिन इसके बदले यहाँ मूलभूत सुविधाएं तक नहीं दे रही। यदि कमेटी ने समय रहते कोई कदम नहीं उठाए तो आने वाले समय में इसका असर यहाँ कारोबार पर पड़ने की पूरी संभावना है। विमल ग्रोवर, 7C हिमाचल आजकल, परवाणु। इसी के साथ खबरों के सिलसिले को यहीं रोकते हैं और आपको दिखाते हैं पहाड़ी गीत की एक झलक। कज तू गोरी ए जमाने ते डर दी, दुनिया ए सारी प्यारे ताई मर दी, कज तू गोरी ए जमाने ते डर दी, दुनिया ए सारी प्यारे ताई मर दी। चल गोरिए चल सोनिए मिले मिंजरां दे मेरे सोगी, चल सोनिए
चल गोरिए चल सोनिए मिल निजरांदे मेरे सौगी चल सोनिए फिलहाल वक्त हो चल आप सबसे इजाजत लेने का, लेकिन जाने से पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। बद्दी पहुंचे मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना, कहा सरकार ने भ्रष्टाचार की सभी सीमाएं लांघ दी। हिमाचल विधानसभा का मॉनसून सत्र 27 से 30 अगस्त तक चलेगा, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सत्र के आक्रामक होने के आसार। लगातार हो रही बारिश ने प्रदेशवासियों की मुश्किलें बढ़ाई, कई दिनों से जारी मूसलाधार बारिश से ऊना में जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। कुल्लू के निर्मल की मूकबधिर लड़की से दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला आया सामने, नाबालिग 5 माह की है गर्भवती, शिमला के कमला नेहरू अस्पताल में जांच के दौरान सामने आया मामला। नई और ताजा जानकारी के लिए आप लोग बने रहिए 7C के साथ। हिमाचल की कुछ और खबरों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे हिमाचल आजकल में। तब तक के लिए मुझे यानी कि छवि को दीजिए इजाजत, नमस्कार। इन नजारों की याद आएगी जब ख्यालों में इनको लाओगे, हिमाचल भुला ना पाओगे। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2, फोन नंबर 0981690120, 0177262911। हमारा ईमेल आईडी है हिमाचल आजकल @gmail.com।